पिछली बार हमने इसी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th के डिवाइड वन पॉलीनोमियल टू अनदर यानी px को gx से डिवाइड करने का क्वेश्चन है और इसमें आपको क्वोशेंट और रिमाइंडर प्राप्त करना था, मतलब भागफल और शेषफल प्राप्त करना था। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बता रहा हूं जिसमें आपको px का वैल्यू तो दे रखा है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx इज गिवन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इसमें कुछ बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। क्या सावधानी रखना है वो आपको मैंने बताया था पिछली बार कि जब कभी आपके पॉलीनोमियल्स डिसऑर्डर में हो, डिसऑर्डर से मतलब आप देख रहे हैं पावर 4 है देन 2 है 1 है तो यहां पर एक ब्रेक आया है, पावर 4 के बाद हम चाहते हैं कि 3 का पावर आए, तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा यहां देख रहे हैं पावर 2 है और फिर पावर 0 आ गई है, x टू द पावर 0 और फिर x है, तो पहले इसको अरेंज करें। अरेंज करते समय आपको ध्यान देना है कैसे, देखिए मैं आपको पूरा डिवाइड वर्क बताता हूं। इसमें हम सबसे पहले x टू द पावर 4 लिखेंगे, उसके बाद में आना चाहिए थे ऑर्डर 3 वाला यानी कि डिग्री 3 वाला, तो 3 का टर्म नहीं है इसलिए थोड़ा सा गैप दे देंगे ताकि कोई 3 डिग्री का आएगा तो उसको हम यहां कैलकुलेशन के लिए जगह रखते हैं। देन माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओके। यहां देखिए आप सबसे बड़ी गलती की संभावना यहीं पे है, पहले x स्क्वायर लिखेंगे फिर आपका 1 आ गया, इसको न लिखते हुए पहले 1 डिग्री को लिखेंगे यानी कि माइनस एक्स देन प्लस ओके। ये मिस्टेक के चांस पूरे यहाँ थे। अब आपका प्रोसीजर, पुराना प्रोसीजर जो पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने समझाया कि किसी भी डिवाइड को करने के लिए आपको सबसे पहले अंदर का टर्म देखना है और फिर बाहर का टर्म देखना है और अपनी रफ कॉपी में इसको इस टाइप से बना लें कि एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं इसका कैलकुलेशन क्या होगा, ये पावर 4 है पावर 2 है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी घटा हो जाए, जब भी डिवाइड होता है बेस इक्वल होता है, पावर इसमें से 4 माइनस 2 करेंगे 2 आएगी मतलब एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई तीनों से करिए, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, जैसा है एक्स क्यूब पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, दोनों का जब बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई करने से पावर प्लस हो जाती है, ये दोनों हुआ और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओके। इसके बाद में आपको सब्ट्रैक्शन करना है यानी कि घटाव करना है तो साइन बदल देना है, ये माइनस तो प्लस ये माइनस ये हमेशा कैंसिल होता है, क्या बचा आपके पास एक्स क्यूब, फिर ये भी माइनस का टर्म है ये भी माइनस का, इसलिए दोनों माइनस के टर्म होने के कारण माइनस आएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर मैंने आपको कहा था इससे पावर जब यहाँ कम हो जाएगी तब आपका डिवाइड का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, अभी फिलहाल यहाँ पावर 2 है जबकि यहाँ 3 है, मीन्स आपको फिर से वही रफ कार्य करना है कि अंदर बटे बाहर, अंदर का टर्म क्या है एक्स क्यूब है, बाहर का टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, इसका फाइनल क्या आया एक्स आया, इस एक्स को आप यहाँ लिखेंगे प्लस का एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, फिर एक्स का मल्टीप्लाई इस माइनस एक्स से करेंगे प्लस एक्स का, जब माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 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 ही होगा प्लस का एक्स, ये देखिए आप फिर साइन चेंज करना हर बार, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का टर्म है ये माइनस का है, जब भी अपोजिट साइन हो सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करना चाहिए, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर लीजिए आप, ये 4 है ये 1 है यानी 3x स्क्वायर बचेगा, बट माइनस जो है वो आपके बड़े नंबर का साइन है इसलिए माइनस यूज करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है मीन्स प्लस का 3x एंड प्लस का 5। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि और डिवाइड कितना करना हमें पता नहीं चलता है, मैं आपको बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि यहाँ पावर 2 है, इससे पावर जब यहाँ कम आ जाएगी तब आपका डिवाइड का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब आप फिर से डिवाइड आगे बढ़ाएंगे इसको तो अंदर का टर्म और बाहर का, ये अंदर का टर्म था आपका 3x स्क्वायर और अपान में x स्क्वायर, केवल फर्स्ट टर्म को देखते हैं हर बार, 3x स्क्वायर माइनस है अपान में x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल क्या बचा माइनस 3, ये माइनस 3 लिखा, अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई तीनों टर्म से होगा तो देखिए आप माइनस 3x स्क्वायर, एक और बात आप देख रहे हैं हर बार ये टर्म यहाँ रिपीट होती है, ये देखिए आप ये देखिए, अगर ये टर्म रिपीट होती है मीन्स आपने जो अभी यहाँ पर वैल्यू रखी है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x एंड माइनस माइनस एंड प्लस माइनस 3,
फिर आपको हर बार साइन चेंज करना है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ क्योंकि अपोजिट साइन है, और ये प्लस का, इसलिए आंसर एक आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि डिवाइड कंप्लीट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पावर टू थी, अब यहाँ एक्स की कोई पावर नहीं बची है, मीन्स कंप्लीट कोशेंट जो रहेगा इट इज द वैल्यू ऑफ कोशेंट, ये आपका कोशेंट है और ये वैल्यू आपका रिमाइंडर, यानी कि ये आपका शेषफल है और ये आपका भागफल है। ठीक है, मुझे लगता है आपको तीन क्वेश्चंस थे इसमें, मैंने आपको इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन करवाए हैं, और डिवाइड करने के लिए अगले क्वेश्चन में फिर हम देखेंगे कि उसमें आपको कहा जाएगा कि विच आप इज दिस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्या जी एक्स जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, जब रिमाइंडर के रूप में यह जीरो आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का एक फैक्टर है। ओके, थैंक यू।